कोमल गंधार एप्लीकेशन। कोमल गंधार एप्लीकेशन में एक स्वयं रियाज का एक फीचर होता है। आज ये पूरा वीडियो उसी को डेडिकेटेड है। आज मैं आपको स्वयं रियाज के फायदे और उसको कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कोमल गंधार एप्लीकेशन में स्वयं रियाज का जो फीचर है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। कोमल गंधार एप्लीकेशन आपके सामने, आप अपना फ़ोन उठा लीजिए और उसे ओपन कीजिए और उसमें देखिए कि कैसे कैसे आप एक एक करके उसके फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ स्वयं रियाज। तो ये मैंने स्वयं रियाज पर टाइप किया है। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक ग्राफ है ना। अब इसमें जो सारे गमा पदनी आप देख सकते हैं तो साइड में लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ अलग अलग है, जैसे वॉइस टाइप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मेल फीमेल इंस्ट्रूमेंटल आ रहा है। मैं यहाँ मेल को सिलेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे आप देखिए स्केल पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग स्केल्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सी शार्प पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ आप देखिए चूज राग का फीचर आता है। अब इसमें ये देखिए, ये जो सरगम का रियाज होता है ना बेसिक, तो उसके बाद आप अलग अलग रागें जो हैं वो सिलेक्ट इसमें आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ भैरवी को अभी सिलेक्ट किया तो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा बदल गया, आप देख रहे हैं ये भैरवी के अनुसार बन गया है। जो एक लाइन आ रही है बीच में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राफ के ऊपर, वो सा की लाइन है। उसके बाद जो वर्टिकल है वो जीरो की है ना। अब यहाँ आप देख रखे हैं नीचे जो फीचर्स हैं, इसमें एक रिकॉर्डिंग का माइक बना आ रहा है, एक प्ले का, एक स्टॉप का और एक तबले का बटन है। तबले का बटन मतलब साथ में इसमें आप ताल भी चला सकते हैं। तो ताल में मैं जाता हूँ, अभी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था इसलिए डीएक्टिवेट हो गया है। अभी मैंने दोबारा सिलेक्ट किया तो यहाँ आप ताल सिलेक्ट कर सकें। मैंने तीन ताल सिलेक्ट कर दी। बीपीएम अपने हिसाब से आप लय जो है डाल सकते हैं और इसमें 60 से 240 तक जा सकता है। जाहिर है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हेडफोन्स चाहिए और माइक्रोफोन चाहिए, तब जाके अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी मैंने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है, पर आप जब यूज़ करेंगे तब आप इसको कनेक्ट करके करें। ओके किया, ताल का फीचर एक्टिवेट हो गया। अब इसमें क्या रहता है, माइक्रोफोन मतलब जैसे ही आप माइक्रोफोन पर टैप करेंगे पीछे आपके ताल और तानपुरा जो है दोनों चलेगी। ताल अगर आपने सेलेक्ट करी है तो ही चलेगी और तानपुरा जो जिस स्केल का सिलेक्ट किया है वो चलेगा। ठीक है, जब वो चल रहा है फिर उसके साथ आप गाने लगते हो। ठीक है, वो राग के जो भी चीज़ें आप उसमें गा रहे हो, बंदिश गा रहे हो, अलंकार गा रहे हो, जो भी गा रहे हो, तो ग्राफ में वो राग के स्वर बने आते हैं जो जो आप गा रहे हो। जाहिर है क्योंकि ईयरफोन यूज़ कर रहे हो तो उसके माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ इसमें इनपुट होती है, तो मालूम चलता है कि वो सा का जो ग्राफ है वो वाकई वही सा लग रहा है या कोई आपने दूसरा सुर लगा दिया गलती से, तो वो ग्राफ से आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर जैसे ही उसको बंद करते हो और यहाँ से जब प्ले का बटन दबाते हो तो जो भी आपने गाया वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो आपको सुनाई देता है। फिर आप स्टॉप कर दोगे तो ये शुरू से शुरू हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। जैसे रिकॉर्डिंग का बटन टैप किया मैंने, ये आपको तानपुरा और वो ताल दोनों सुनाई दे रहे हैं। ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस वजह से बन रहे हैं। अब मैं इसके साथ गाता हूँ तो कैसा होगा। रे ग म प ध नी सा। तो ये आपने देखा सारे ग म प ध नी सा ग्राफ इसमें ये बना। ठीक है, अभी से मैं यहाँ से बंद करता हूँ स्टॉप से। ये मैंने स्टॉप से बंद कर दिया, अब तानपुरा तबला दोनों बंद हो गया। प्ले करूंगा तो जो मैंने गाया वो इसमें प्ले होगा। ये आपको तानपुरा और वो ताल दोनों सुनाई दे रहे हैं। ये जो ग्राफ बन रहे हैं ये क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस वजह से बन रहे हैं। अब मैं इसके साथ गाता हूँ तो कैसा होगा। ये मैंने पॉज किया तो ये पॉज हो गया और ये जैसे ही मैंने स्टॉप पे टैप किया ये अंडू हो गया। इस तरह से आप ये कोमल गंधार एप्लीकेशन को, जो स्वयं रियाज का फीचर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रागें सिलेक्ट करिए और अलग अलग काम कीजिए। जैसे मैंने इसमें अगर मैं दूसरी राग सिलेक्ट कर लूँ कोई तो उसमें भी यही फीचर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फीचर है कोमल गंधार एप्लीकेशन। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए और इसी तरह से कुछ ना कुछ इसमें एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो रियाज करते रहिए, देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को। कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।